तो जी शाम का टाइम हो चुका है, 7:30 बज गए हैं और शर्मा जी गए हुए हैं आज कहीं शादी में फेरे करवाने के लिए। आप सबको बताया था ना पंडिताई का काम शुरू कर दिया है, तो वो वहां गए हुए हैं और मैं बना रही हूँ दाल। शाम के टाइम से नया व्लॉग शुरू किया है, पहले वाला वो जो आई थी ना मैं वो वाला मैंने एडिट कर दिया। मैंने सोचा फिर काफी बड़ा हो जाएगा, नया व्लॉग जो होगा ना उसी में करेंगे। तो मैं बना रही हूँ मूंग की दाल सिंपल से तड़के के साथ में, बहुत ही टेस्टी बनती है देखना आप लोग, फटाफट तड़का लग जाता है और दाल का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, बाकी सारा काम फिनिश हो गया, बस दाल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, हम लोग खाएंगे, फिर उसके बाद में थोड़ी सी स्किन केयर करेंगे। आज पता है मैं वहां गई ना, उसके बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने अपने आप का ख्याल रखना ही छोड़ दिया, पूरी फैमिली पीछे पड़ गई, मम्मी भी भाई भी और भाभी भी कह रही है दीदी आप तो दिन प्रतिदिन ना अपना ख्याल रखना ही छोड़ रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपना ध्यान रखा करूंगी, तो थोड़ी अपनी स्किन केयर करेंगे। वहां जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखा, तो थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा, बहन भाइयों ने मोटिवेट कर दिया। तो देखो तेल गर्म हो चुका है, एकदम जोर से गर्म है। अब डाल दिया जीरा, और जीरा एकदम बढ़िया वाला तेज कर लेना है जला के, ये देखो मतलब अच्छे से भून लेना है, और चिड़चिड़ा आवाज बंद हो जाए ना जब डालना है लहसुन, तब इसमें जाएगा लहसुन। टमाटर नहीं डालेंगे, बिना टमाटर के ये दाल हमारे सबको पसंद आती है, मेरी की तो फेवरेट दाल में से है ये। और अब इसमें डाल देंगे अपन क्या, प्याज। जैसे ही लहसुन भून जाएगा एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना लहसुन की, उसके बाद में देखो लहसुन भून रहा है। अब डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च मैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि ये दोनों मामा बांट कर कच्ची खाते हैं इसके साथ में दाल के साथ। देखो प्याज अपनी भून गई, नमक और जाएगी इसमें हल्दी, और जाएगा इसमें थोड़ा सा अपना सांभर मसाला और ये भाई जी ने मिर्च बना के रखी हुई है थोड़ी सी, ये भी डाल देंगे अपन लाल मिर्ची। और अब लेंगे कपड़ा, ये कपड़ा तड़का पैन लेके आना है मेरे को, तड़का पैन रहेगा ना तो फिर इसमें कढ़ाई में से नहीं करना पड़ेगा। अब अपनी दाल में बॉयल आ जाएगा, वैसे अपनी दाल का कलर चेंज हो जाएगा बहुत ही प्यारा सा, और टेस्ट भी अच्छा आएगा। क्या कर रही है मम्मी जी? तो जी आप देख रहे होंगे मेरा हुलिया, पहले बार नीचे जा रही थी लेकिन बाद में जाऊंगी, ये हुलिया देख रहे हो आप लोग। तो ये ट्रिक है जो मेरी स्किन बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुकी है ना उसके लिए मेरी मम्मी ने बनाया था ये। पता है मैं धूप में रहती हूँ पूरे दिन यहाँ पे छत के ऊपर, काम ही मेरा ऐसा है, मैं धूप में तो और कुछ मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता धूप का। मैं सोचती थी कि चल कोई बात नहीं रहने दे, फिर मेरी मम्मी ने मेरे को डांटा, बोली सारी स्किन की ऐसी तैसी कर रखी है, तो 3-4 दिन तो वहाँ ध्यान रखा था और अब रेगुलर यहाँ पर भी केयर करेंगे ताकि ये सही हो जाए। ये धूप में ऐसे ही रखूँगी मैं अब, ठीक है जैसे काम होगा ना जब तक ऐसे ही रखेंगे। और ये मास्क है ना यहाँ एक ऐसे कर लूँगी ना तो ये और भी बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा ढीला है, मम्मी का ही बनाया हुआ ये, ठीक है। और सुबह सुबह का टाइम है, काम झाड़ू लगी है, बच्चों को स्कूल भेजा है, सब्जी बनी है, अब मेरे को जो बर्तन हो गए वो साफ़ करने हैं। तो एक बार नीचे चलते हैं, शर्मा जी सोए हुए हैं, वो आज पूरी रात से जाग रहे थे, कल पूरे दिन भी पूरी रात ऐसा ही काम है। जैसे कल शादी थी ना तो दिन में जैसे मांडा भात चाक, रात को फिर फेरे, सुबह विदा करके फिर पहुँचे हैं, तो अब उनको सोने देते हैं, सुबह दोपहर में फिर से जाना है एक हवन करवाने, तो इसलिए अभी वो सोएंगे, बाद में जगाएंगे, आधे घंटे बाद में 12 बजे जाएंगे हवन करवाने, तो 10 बजे 10:15 बजे जगाना है, ठीक है। तो जी काम धाम ख़त्म करके और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से,
बच्चे आ गए स्कूल से, एक मिनट आ गए। शिवांश भाग गया तो और आज मधु ने ना ये लगाया वेलकम, मैं खा रही हूँ लड्डू, आप लोग भी खा लेना यार, मैं कैसे दूं यहाँ से, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को बोल सकती हूँ। और ये देसी घी के बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। बच्चों के खाना डाल लेती हूँ, पहले स्कूल ड्रेस चेंज करनी है। तो जी बच्चे आ चुके हैं, बच्चों को खाना वाना डाल के दे दिया है और अभी मैं उतार रही हूँ कपड़े। आज सुबह बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो सारे जैसे सोफ़ा कवर बेडशीट वगैरह सब धुल दिए थे और जूते वगैरह भी। तो बस ये है कि शाम को सारे कपड़े अभी उतार लेंगे और फिर मैं और मधु दोनों बैठ करके उनको फोल्ड कर देंगे। और पता है आप लोगों को एक बात मैं बताऊँ कि हमारा जो परिवार है ना, एक टाइप से देखा जाए ना तो घर में बेटियों से रौनक होती है, और मेरे घर में जब से मधु आई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कितनी रौनक हो रखी है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक नैनी जो है वो छोटी है और ऊपर से वो स्कूल चली जाती है तो उतना महसूस नहीं होता उसका, और कुछ वो छोटी भी है, उसकी जो पसंद जो होती हैं वो बच्चों के जैसी भी हैं और ऊपर से उसको खेलना पसंद है वो सारी चीज़ें। और एक मधु जो है वो एक टाइप से फ्रेंड की जैसे है, तो मुझे जो है ना एक वो जो कमी थी मेरे परिवार में वो कमी पूरी हो गई। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि कितना अच्छा मुझे लगता है परिवार में किस तरीके से रौनक होती है, आप खुद समझते हैं बेटियों से, वैसे मेरे भी घर में रौनक हो रखी है। और यहाँ पर बन गई है चाय, और रौनक के साथ साथ एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि वो होता है ना कि कहते हैं हमारे हरियाणवी में कहावत होती है कि बेटे की माँ भरे पानी और बेटियों की माँ रानी, तो सेम वही फीलिंग आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बेटी बड़ी हो गई और मेरे घर में जिन घर में बेटियाँ होती हैं, जैसे हम अपने घर में थे तो मम्मी की कितनी हेल्प करते थे, वो सारी हेल्प मुझे मिल रही हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं सब लोग चाय, मधु जो है वो साइड में बैठी है कुर्सी के ऊपर, तो जी आपने देखा अभी आरती बोली जा रही है, मेरे जैसे वो था ना कि वो मेरे जैसे अभागे इंसान के घर में इतनी बढ़िया वाली आरती बोलना कितनी किस्मत की बात है ना। और हम लोग जिसे करते हैं, लेकिन बस वो ये कि उतना मज़ा नहीं आता जितना बच्चे बोल रहे हैं और फिर सुन रहे हैं ना, सुनने में जो मज़ा आ रहा है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा होगा, आप खुद सोच सकते हैं, आपको भी महसूस हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ और मधु सबको खाना डाल के दे रही है, मतलब सबको परोस रही है और सब लोग खाना खा रहे हैं। तो हर एक चीज़ से देखा जाए तो घर में खुशियाँ ही
खुशियां हैं, अच्छा लगता है। और ये रोटी जल गई तो ये मेरे को डांट रही थी, देखो मामी जी आपने सारी रोटी जला दी, ठीक है। तो मैंने कहा तू उठा ले, फिर ये उठा रही थी ना तो मैंने बीच में ले लिया और अब रोटी सेक लेते हैं। और ये वाला जो वीडियो था ये 2 दिन का मिला जुला व्लॉग था, अब आपके पास रेगुलर व्लॉग्स आया करेंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मेरे प्यारे पतिदेव का जन्मदिन है तो जन्मदिन भी विश कर देना आप लोग जाते जाते। बाय।